नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा 13,404 पदों पर जो बंपर भर्ती निकाली गई है उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के कितने पद है, इसके साथ साथ कि नॉन टीचिंग वाले कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या 12वीं पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी केंद्र विद्यालय संगठन में भर्ती होने का अवसर है, तो कौन इसकी क्या योग्यता है, क्या उनकी सैलरी रहने वाली है, सारी बातें करेंगे। साथ के साथ टीचिंग में कौन कौन से पद है, प्राइमरी के लिए है या फिर अपर प्राइमरी के लिए, टीजीटी पीजीटी, सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और खास करके नॉन टीचिंग के भाई 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के पास भी क्या इसमें सुनहरा अवसर है। तो चलिए देखते हैं, पूरी अपडेट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र विद्यालय पीआरटी परीक्षा के लिए बेस्ट बुक की, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। केवीएस पीआरटी परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित ये स्टडी गाइड डिज़ाइन करी गई है। इसमें आपके सभी विषय, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, या फिर यहाँ पर सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग, शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और कंप्यूटर, ये सभी विषय आपको इसी गाइड के अंदर मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आप इस गाइड में आपको मिल जाएंगे। यह पुस्तक आपके हर अन्य पुस्तक से श्रेष्ठ है और आपके नज़दीकी सभी शॉप्स पर अवेलेबल भी है। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर भी आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनके लिए कितने पद हैं और वो किस किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने यानी बीएड बीटीसी नहीं कर रखी है उनके लिए इन 13,404 पदों में से यहाँ पर 1,251 पद नॉन टीचिंग के लिए है, जिसमें आप बन पाएंगे फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ये सारी वैकेंसी उन सभी के लिए है जिन्होंने नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भाई इनके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, और सबसे पहले तो ये कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नॉन टीचिंग की वैकेंसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताई, 1,251 है। इसके अलावा ये आपकी गवर्नमेंट जो भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई आपको संविदा पे रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, 5 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं आपके फॉर्म भरने, मोड रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल आपका सेंट्रल रहता है। अब ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले चलो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप इन सभी पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर देख पाएंगे। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पोस्ट है, और सीनियर सेक्रेटरिस्ट के लिए यहाँ पर 322 पद है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 702, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए यहाँ 6 पद है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 और स्टेनोग्राफर के लिए 54 पद यहाँ पर मिल जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहां पर देख पाएंगे, अगर आप फाइनेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो या तो आपने बीकॉम कर रखी हो, या फिर एमकॉम की हो, या सीए की हो, एमबीए की हो, इनमें से कोई भी अगर डिग्री आपके पास है तो आप फाइनेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा हो या आपके पास कोई डिग्री हो। इसके बाद एएसओ के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो इसके रिलेटेड, और बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरिस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन करी हुई हो या कोई डिग्री आपके पास साथ में हो। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरिस्ट के लिए, आपने अगर 12वीं पास भी कर रखी है और आपको टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आपके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी नहीं है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अगर आपने मास्टर्स की हुई है हिंदी में या इंग्लिश में, पीजी करी हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास आपने कर रखी हो, स्टेनोग्राफर का कोर्स वगैरह आपने कर रखा हो, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सबकी यहाँ पर अलग अलग दी गई है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 35, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 35 और ASO के लिए 35 वर्ष, सीनियर सेक्रेटरिस्ट के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35 और स्टेनोग्राफर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी के लिए अलग अलग फीस रहने वाली है। देखिए असिस्टेंट कमीशन और इसके अलावा प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 फीस है, फाइनेंस ऑफिसर AE ASO के लिए 1500 है, अगर कोई स्टेनो SSA और JSA का फॉर्म भर रहा है तो 1200 फीस है, और अगर आप SC कैटेगरी या PWD से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। ये जानकारी तो थी उनके लिए जिन्होंने नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। अब टीचिंग वालों के लिए आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए 6414 वैकेंसी है, कुल टोटल पोस्ट कितनी है 6414, जिसके लिए आपका यहाँ पर सीटेट होना बिल्कुल अनिवार्य है, पेपर 1 पास आपका होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 वर्ष, और या तो आपने कर रखी हो DLED या फिर BEd कर रखी हो, या इसके अलावा कोई भी इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो BLED जैसे कि, वो आपने कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया हो। अगर आप जूनियर सेक्रेटरिस्ट, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टेनोग्राफर के लिए भी। अब PGT की वैकेंसी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, ये सारी की सारी देखिए। PGT के लिए यहाँ 1409 पद है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आपने मास्टर्स कर रखी हो और इसके अलावा BEd भी आपका पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे TGT के लिए, यहाँ पर 3176 आपके पद है, जिसमें आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो 50% से और CTET भी आपके पास हो, इसके अलावा BEd एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए यानी BEd कम्प्लीट होनी चाहिए आपकी, और मैक्सिमम एज 35 वर्ष यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। प्रिंसिपल के लिए 239 यहाँ पर पद है, यहाँ आपने मास्टर्स कर रखी हो, BEd कर रखी हो और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। तो ये सारे कुछ आपके लिए सारी जानकारी थी वैकेंसी से संबंधित। अगर आप इससे KVS की पोस्ट से रिलेटेड या कुछ भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।